प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चर में। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आप व्यूह के इस क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे। के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो जैसा भी आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं, इसमें ये सभी वैल्यू दी गई हैं और a प्लस बी बी माइनस सी इन दोनों को निकालना है। उसके बाद हमें सिद्ध करना है इतना बराबर ये। तो सबसे पहले हम लोग इस a प्लस बी के वैल्यू को निकालेंगे। a प्लस बी a की वैल्यू को रखे, प्लस लगाया, फिर b की वैल्यू को रख दिया, बराबर एक में 3 जोड़ा 4, दो में धन -1 यानी दो में से एक निकालेंगे एक आएगा, तीन में से दो निकाला -1, उसके बाद पाँच में 4 जोड़ा तो 9 आया, जीरो में 2 जोड़ा तो 2, और दो में 5 जोड़ेंगे 7, एक धन 2 3, -1 प्लस 0 -1 1 प्लस 3 यानी 4। अब देखिए इसका सेकेंड है b माइनस सी, तो इसे अगर हल करेंगे तो b माइनस सी यानी b की वैल्यू रख दिया, माइनस लगाया, c की वैल्यू रख दिया, इसमें से इसको घटाना है। तो हम लोग यहाँ पे 3 में से 4 निकालेंगे -1 -1 -4 दोनों जुड़ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं -1 -1 -2, फिर 2 में से 2 निकाल देंगे 0, 4 में से 0 निकालेंगे 4 ही आएगा, 2 में से 3 निकालेंगे -1, 5 में से 2 निकालेंगे 3, उसके बाद 2 में से 1 निकालेंगे 1, 0 में -2, 3 में से 3 निकाला 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन नंबर 4 में एक और चीज़ दिया था सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हैंस प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है कि इतना बराबर ये। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और a की वैल्यू रखा प्लस, और फिर a b माइनस सी की वैल्यू अभी मैंने ऊपर निकाला था, ये आप देख सकते हैं b माइनस सी की वैल्यू ये, तो यहाँ पे मैंने b माइनस सी की वैल्यू रख दिया बराबर। फिर आप 1 में से 1 निकालेंगे 0 पाएंगे, 2 में से 2 निकालेंगे 0 पाएंगे, 3 में से 0 निकालेंगे -3, 5 में 5 4 9, 0 धन -1 -1, 2 धन 3 5, 1 धन 1 2, -1 प्लस 2 +1, 1 धन 0 1 आ जाएगा। अब देखिए इसका राइट हैंड साइड हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं a प्लस बी माइनस सी, और a प्लस बी की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे निकाला था a प्लस बी बराबर, तो इस चीज़ को हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे रख देंगे यहाँ पे, और फिर माइनस सी की वैल्यू रख दिया जो दिया गया है क्वेश्चन में। फिर इसको जब आप घटाएँगे प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर अब आप 4 में से 4 घटाएँगे तो 0 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो भी 0 आएगा, -1 -2 -3, 9 में से 0 निकालेंगे 9 आएगा, 2 में से 3 निकालेंगे -1, 7 में 2 निकालेंगे 5, 3 में से 1 निकालेंगे 2, -1 और -+ यानी 2 में से 1 निकाला 1, 4 में से 3 निकाला 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के सभी भाग कंप्लीट होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यदि a बराबर तथा b बराबर इतना हो तो 3a माइनस 5b
का परिकलन कीजिए तो सबसे पहले मैंने 3a माइनस 5b को यहाँ पे लिख लिया और 3a की वैल्यू यहाँ से लिखा, a की वैल्यू, फिर माइनस माइनस 5, ये 5 लिखा और यहाँ पे देख रहे हैं b है तो b की वैल्यू इसमें इनपुट कर दिया यहाँ पर तो ये आ गया। उसके बाद इस 3 का मल्टीप्लाई इस अवयव के सभी अवयवों में करेंगे और उसी तरह हम लोग इस 5 का मल्टीप्लाई इसके सभी अवयवों में करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या पाते हैं, जब आप 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 इंटू 2 बाई 3, 1 में करेंगे तो 3, और 3 का इसमें करेंगे 3 इंटू 5 बाई 3, 3 का इसमें करेंगे 3 इंटू 1 बाई 3, 3 का इसमें करेंगे 3 इंटू 2 बाई 3, 3 का इसमें करेंगे 3 इंटू 4 बाई 3, 3 का इसमें करेंगे 3 इंटू 7 बाई 3, 3 का 2 में करेंगे 3 इंटू 2, 3 का 2 बाई 3 में करेंगे 3 इंटू 2 बाई 3, और फिर 5 का करेंगे तो 5 इंटू 2 बाई 3, 5 इंटू 3 बाई 5, 5 वन जा 5, और 5 का 1 बाई 5 में करेंगे 5 इंटू 1 बाई 5, 5 का इसमें करें 5 इंटू 2 बाई 5, 5 का इसमें करें 5 इंटू 4 बाई 5, 5 का इसमें करेंगे 5 इंटू 7 बाई 5, 5 का इसमें 5 इंटू 6 बाई 5, 5 का इसमें करेंगे 5 इंटू 2 बाई 5। तो इस तरीके से हम लोग गुणा करने पर ये मिलेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब हम लोग इसे काटते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 3, 3 से 3 कटेगा 5, 3 से 3 कटेगा, इस तरीके से कट के ये आ जाता है, और यहाँ पे 5, 5 सभी कट के ये आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग 2 में से 2 निकालेंगे 0, 3 में से 3 निकालेंगे 0, यानी सभी घटाएंगे तो 0 मिल गया। यानी इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इन के सभी अवयवों में करेंगे, ऐसे ही साइन थीटा का मल्टीप्लाई इनके सभी अवयवों में करेंगे। तो जब आप कॉस का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन में करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसमें इस कॉस थीटा का गुणा कॉस में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन का साइन में करेंगे तो यहाँ मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन का माइनस कॉस में करेंगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन का इसमें करेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन का साइन में करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे इसको, कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतने में इसको जोड़ेंगे। अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा मिलेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको इसमें जोड़ दीजिए तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इतने में इसको जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस में है और ये माइनस में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, और यहाँ पे त्रिकोणमितीय सरसमका के पहले नियम से आप सूत्र जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो इसके स्थान पे एक और ये कट के जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इसके स्थान पर भी एक, यानी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, यदि x प्लस वाई बराबर इतना तथा x माइनस वाई बराबर इतना। अब इसे हल करने के लिए इसको हम समीकरण 1 मान लिए, इसे 2। तो सबसे पहले इसे हम लोग जोड़ेंगे, यानी समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों प्लस में हैं और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस वाई में माइनस वाई घट जाएगा, और एक एक्स में एक एक्स से जोड़ेंगे तो 2x, इसमें इसको जोड़ेंगे 7 में 3 जोड़ा 10, 0 में 0 जोड़ा 0 और 2 में 0 जोड़ा 2, 5 में 3 जोड़ा 8, और फिर ये जो है 2 गुणा में भाग में चलाएगा, यानी x बराबर 1/2, 10, 0, 2, 8। तो इस चीज़ को आगे हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/2 का गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा 10/2, 0 में 1/2 का गुणा करेंगे 0 और 2 में करेंगे 2/2, 8 में करेंगे 8/2, 2 × 5 = 10, 2 × 2, 2 × 4 = 8, ये हो जाएगा 5, 0, 1, 4। तो यहाँ पे हमारा ये x की वैल्यू अगर कोई पूछ लिया तो ये बता देंगे कि ये हमारा x की वैल्यू है, और y की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 5, 0, 1, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 0, 2, 5, ये उधर जाएगा तो वाई बराबर 7, 0, 2, 5 माइनस 5, 0, 1, 4, और यहाँ पे हल करेंगे 7 में से 5 निकालेंगे 2, 0 में से 0, 0, 2 में से 1, 1, 5 में से 4, 1। तो यहाँ पे ये हो गया y की वैल्यू। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों।